person is undertaking 25% of the effort will be used by the patient, and then hold, and after just relax in the stretch. ठीक सेल स्ट्रेचिंग करना चाहे तो कई परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कई मतलब उसमें कर सकते हैं, इस पोजीशन में ये स्ट्रेच दे सकते हैं, इसको इंडी ज्यादा डिफरेंट मॉडिफिकेशन, ये तो आपको हैंड्स को इस तरह कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। अच्छा इंटीरियर थाई में पेन है वो आपने कर दिया, रेक्टस का मिसकंस्ट्रक्शन का रूल आउट कर दिया, आईडी बैंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, टीएफएम कवर हो चुका, और इंटीरियर थाई में पेन किस तरह से आ सकती है, यस मायलेजिया प्रोस्थेटिका, sometimes patient presented with the numbness, lateral nerve of the penis, lateral nerve of the finger jo supply hai, sometimes karta hai anterior thigh ke upar jo jeans ki pockets hai, jeans pocket pant ki, ab kya hota hai ye bhi sideways hai, number door pattern is tarah bhi yaad kiya kar sakte hain, collar with close eye tie kin kaun sa pattern hoga, ye jeans ki pocket hai, usse ki aapke exactly aur jo hai ye bilkul isme aaye to ye wala pattern aata hai jahan pain hota hai, उसमें पेन का आना, numbness आना, जिसे सभी people sign होता है मेलेजिया प्रोस्थेटिका, उसके क्या करना चाहिए, फेमिनल नर्व को नर्व क्रॉसिंग, दिस इज द बेस्ट वे, नर्व रूट बॉल इन्वॉल्व हो रही है उसको आप करोगे पेशेंट विद इन द पैसेंजर टाइम बेहतर होगा और सेंसेशन होगा। अगर फुट एरिया में डायबिटिक न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम आ जाए तो तब आप क्या कर सकते हैं, जहाँ परिस्थिति क्या होता है numbness का, तो मैं बताने लगा कंट्रास्ट बाथ, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोथेरेपी में, कंट्रास्ट बाथ अप्लाई करोगे, डिफरेंट सेंसेशन होंगे, कोल्ड अगले दिन दो दिन के बाद बेहतरी की तरफ आ सकते हैं, बेटा जो काम करना है आपने एविडेंस के साथ करना है, जो पेशेंट आ गया नहीं पता ना, फॉरन टीचर्स कोलीग फ्रेंड्स बुक्स एंड लिटरेचर you have to take the information and all the protocols diagnosis ka aur treatment protocols ka wo bana le, main aapko imandar se batau ek tarah ki sari padhai jo lectures mein delivery mein hote hain aur patient aapko isse zyada knowledge dega aur for example abhi kon haan ho jayi stretch aaya ya mujhe pain aa rahi hai dekh the history and then ask karte hain ye wala masla maine sir ko ye kaha masla isse kaun kaun se masla hai ye char masla aa rahe iski mujhe stretching aati hai iski nahi aati इसको किस मॉडिफाई में करूंगा, अच्छा स्ट्रेचिंग आती है घर के लिए एक्सरसाइज क्या दूंगा ये, और कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है जिसमें उसको मैं बता दूं करना, इसके अलावा और किस किस मसल में ये पेन आ सकती है, बेटा आपके पास तो आप खुद अगर बैठ के स्टडिंग अच्छी तरीके से करो, हर चीज का क्वेश्चन पूछो, आपसे खुद से पूछो, आपके फ्रेंड्स एक दूसरे से पूछो, अब कल के नाम क्या होगा, आप लोग ने यहाँ मेहनत नहीं कर सके लेकिन याद रखिएगा अल्लाह ताला कभी भी मेहनत रायगा नहीं करता, आज आपको लगा मैंने तो बहुत पढ़ा था और उसमें मैं आ गया लेकिन इन्होंने ज्यादा पढ़ा था और उसमें हमने आ गया, हिप जॉइंट के स्टैंडिंग में और कौन से सेक्शन, आप में से शायद मेरी फीमेल की तरफ कोई ऐसा इशू आया हो, मेल साइड कभी फुटबॉल के ऊपर पांव आया और स्लिप हो गया, थोड़ा कॉमन है, या स्लिपी सरफेस पे कभी आप एक और स्लिप होते तो एरिया हिप जॉइंट पेन आती है, इन्होंने फोबिया और वो वाला जो एरिया आता है समटाइम इतनी बुरी पेन आती है कि समझ नहीं आता, पेशेंट आता है दर्द हो जा रही है और इन साइड ऑफ द जॉइंट फील हो रही है, हमारी आदत है दर्द हो रही हो जब तक हम उस पोजिशन को दिन में 10 दफा चेक करना लेना उस वक्त तक हम हटते नहीं है, हालांकि रिकमेंडेड होता है किसी को दर्द शुरू हो चुकी है तो उसको रेस्ट मिल जाए करने को आपके पीछे मूवमेंट आती है यानी पर सब ये जाके पेन आ रही है, मैं आपको आस्क करके हाउ मेनी टाइम यू हैव परफॉर्म दिस मूवमेंट, आप सब में से किसी को मूवमेंट बारिश की तरफ की चीज कर फेंको ये कभी ऐसा होगा ऐसे करें जब भी करेंगे नेचुरली स्टार्ट करेंगे ये करना कुछ नहीं ये तो कभी भी नहीं होगा, इसी तरह सम हाउ सम मूवमेंट्स आर वेरी नेचुरल और वो होता है जिसको हम नॉर्मली परफॉर्म करते हैं और पेन हमेशा किसी ऐसे अबनॉर्मल पैटर्न में जाके आती है, मसलन जो लोग गाड़ियों को साफ करते हैं पॉलिश करते हैं तो भी आप उनको देखो कंपाउंड पॉलिश करते हो कितनी दफा रेपिटेटिव वो वर्क करते हैं, और उन्हें बड़ा कॉमन है आज उसने 10 गाड़ी कर दिया कमाने थे पैसे लेके जाने थे पैसे तो 5 दिन कर लूंगा इजीली नहीं चले सारे 800 भी आ गया ठीक है कर लो, तो वो क्या होगा आप कभी इतनी देर तक करते थे आप लिखना शुरू करें,
मैं अपने स्टूडेंट्स को करवा रहा हूँ ना रिसर्च में। आज हमने बात की थी कि एक बच्चा है वो इस एंगल में लिख रहा है, इस एंगल में वो करने की कोशिश तो करे 2 घंटे, तो आप लोग क्या घर में जाके कहते हैं? अभी आप घर में जाएंगे वादा कहेंगे आपने पानी पी लिया, कुछ देर में वादा तो काम कहेंगे, तो आपने काम की तो आई वो छुपी हुई फिर आपने मुझे काम दिया, डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ आप। लेकिन होगा बेसिकली ये कि आपको पोस्टर बैठने का जितने का उसमें बड़ा ही काउंट करता है और उसका आपको आइडिया होना चाहिए। अब अनदर स्ट्रक्चर्स और कौन से स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाए तो मैंने आपको बताया था कौन सी मोडालिटी आपको हेल्प कर सकती है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आप उसको थेरेपेटिकली अप्लाई करें कि अगर पेन और ज्यादा बढ़ गई देन देन से डेट दिस इज द प्रॉब्लम, इज स्ट्रेस या पेन हमें फ्रैक्चर, दिस इज वेरी कॉमन केस ऑफ स्केफॉइड फ्रैक्चर, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा कॉमन फ्रैक्चर आ जाता है। अच्छा हिप एब्डक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत जबरदस्त है, वो आपके साथ शेयर करूं। नी बेंड आज का क्वेश्चन टू डू अ ब्रिज, ब्रिज एक्सप्रेटिंग दिस इज एक्सरसाइज फॉर लंबर एक्सटेंसर्स एंड फिर स्पाइनिंग के लिए करना मैक्सिमम जहाँ तक जा सकते हैं। तो करें ब्रिज एक्सरसाइज करवा रहे हैं सब नॉर्मल जो हम करवाते हैं ब्रिजिंग एक्सरसाइज एक्सटेंसर के लिए या एक्सटेंसर बाय एक्सरसाइज। अब उसमें होगा क्या जब आपने ये करना चाहिए आज का क्वेश्चन टू अपार द लेग्स, तो करने की कोशिश करें मैं होल्ड कर अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट आपने उसको कितना पूछ देना। पेशेंट कहता है कि मेरे पास घर में कोई होगा तो मैं ये करूँगा थेरापेड कोडिंग के साथ ब्लू कोडिंग ब्लैक कोडिंग, आप उसको रिफंड करते हैं उसकी रेजिस्टेंस है, आप उनको कहते हैं ये रखते हैं आपको परफॉर्म करते हैं, अगर नहीं अब मैं आपको एडवेंचर्स की बेस्ट एक्सरसाइज ब्रिज एंड देन अपार्ट ब्रिज किया अपार्ट दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द हिप एब्डक्टर्स, क्या आप उसको रिकमेंड करवा के परफॉर्म करवा सकते हैं। प्रिवेंटिव एक्सरसाइज ब्रैकेट से बचा जाए कौन सी हो सकती है, कोर स्टेबिलिटी, कोर स्टेबिलिटी का डिफरेंट लेवल 13-11 तक और कॉम्प्लिकेशन के साथ है, लेकिन मैं सबसे आपको एक वे आउट बताता हूँ भी फॉरवर्ड की आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं ताकि फर्दर डायबिटीज से बचा जा सके। अंदा आता है आप उसे पूछते हैं ब्रैकेट आज सुबह उठाओ वो नहीं किया पता नहीं सब चुप कहते पड़ गई ये कुछ होगा मैं प्रॉब्लम होगा कब से बॉडी आपकी वो स्प्रिंग फोर्स ले रहा था और आप उसकी बॉडी उसको रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ जगह पर क्या होता है कि किसी एक जगह स्प्रिंग बिल्कुल ठीक है एक जगह एक्सेंसिबिलिटी का अल्टी वाला वहाँ पर डिफेंट बॉडी सारी रात एक ऐसी पोजिशन जाकर डिफेंट स्ट्रेन मसल्स खींचे जाएंगे और आस्ता आस्ता मसल क्या होगा वीक होता है क्योंकि मसल ने उतना बहुत ही किया हड्डी स्पंज की जरूरत है प्रेजेंट होकर बड़ी सीवियर पेन के साथ। तो मैं हमेशा एक और को कहता हूँ कि आपने 10 साल मस्त पाला है और अभी उस दिन हुआ जिस दिन उसने अपना आपको खा लिया, मैं आपको आज कहता हूँ एक पत्थर की सेक रखता हूँ पत्थर और वाटर या ड्रॉप उसमें गिर रहे हैं थोड़ी देर पहले मकास देखकर आया सर बिल्कुल ठीक है कोई इशू नहीं है सामा भेजा बिल्कुल ठीक है इब्राहिम भी आपके पास क्या ठीक है पूरे का पूरा वो सुनाम है वो सीधे लेकिन वो अभी 10-15 मिनट पहले आया था आधा घंटा कहना पीछे एक बस से एक पॉइंट पर गिरता जा रहा है नीचे वाला सबसे पहले वो क्या जज करता है नीचे रोडन स्टार्ट है तो ऊपर हल्की सी कब्लिक होती है कीमत बात से बिल्कुल ठीक कर रहा है अंदर चेक करो पूरी लकड़ी खत्म हो चुकी है। दिस इज द वे जब आप कोई मैट्रेस का अगर हैव रिकमेंड दैट कि ये जब अपना कंपनी वालों का एम्बेसडर हो तो वेरी अच्छे से है तो होगा क्या कि आपके पास आ जाएगा कि मैंने प्लान तो नहीं जो भी है सिंपल मैट्रेस विदाउट स्प्रिंग वाला रिकमेंड कीजिए ऑर्थो के नाम से भी है और जो भी है नहीं ऑर्थो वाला यूज करना कई लोग कहते हैं बहुत हार्ड है जो भी है उसके सेकंड लेवल के बाद अगर डायरेक्शन चेंज कर ले बेहतर है अगर इतनी दफा डायरेक्शन भी चेंज कर चुकी है तो फिर उसको चेंज करवा लेकर अच्छा वो मैं आपको बता दूँ उसके लिए हाँ इससे नहीं कुछ आपको फ्लो कर रहे हॉस्पिटल वो तो है लेकिन वो लेटर उसमें जंप जरूर लगवा लो बच्चों को कई लोग करें और बड़ा अट्रैक्शन होता है छोटे बच्चों के लिए वो जंप लगा रहे होते हैं लेकिन वो ऐसे आपको बता दूँ हो गया कॉमन आपके पास लेकिन हिप के हवाले से अब हिप के और कॉमन मैंने परफॉर्मेंस को कवर किया ऐसे ऐसे जॉइंट के मैंने जिक्र किया था एक सी लेकर कौन सा मसल इन्वॉल्व हो सकता है सेम साइड का यूकेस्ट्रेस
अपोजिट साइड का लेटेस्ट रिस्पॉन्स है, चलिए आया था बताया था कि ये प्रैक्टिस करते हैं, ठीक हो गया। अब हिंट के ऊपर और कोई कॉमन मिथोलॉजी अगर कोई है तो जिक्र कर रहे हैं। दो तरह के मूवमेंट्स हैं, डिविएशन एंड काउंटरिजेशन। द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2 to 18 degrees, ठीक हो गया। अब म्यूटेशन और काउंटर म्यूटेशन को हम करेंगे क्या, म्यूटेशन होता क्या है, इसमें बेस ऑफ द सैक्रम बनाया हुआ मॉडल ऐसे ज्वाइन मूवमेंट, बेस ऑफ द सैक्रम म्यूटेशन है, एक बेस ऑफ द सैक्रम मूव करे तो सैक्रम की म्यूटेशन है, बैकवर्ड आए तो काउंटर म्यूटेशन। म्यूटेशन इज द क्लोज बैक पोजिशन, काउंटरम्यूटेशन इज द लूज बैक पोजिशन, ठीक हो गया। अब मैं यहां एक क्लोज बैक पोजिशन है यानी कि जब रोटेटेड होगा, और एक जो काउंटर म्यूटेशन बनाएंगे बेस आगे की तरफ मूव कर जाए तो म्यूटेशन है, एपेक्स आगे की तरफ मूव करे या किसी एक को रेफरेंस कर दो, अगर बेस को रख रही हो तो रख रहे हो, बेस एंटीरियर भी किया तो रोटेशन है, बेस पोस्टीरियर भी किया तो काउंटर म्यूटेशन, जब पोस्टीरियर किया तो अपार्ट स्ट्रक्चर्स आर लूज, लेस टॉटिंग होंगे, लेस टॉट होंगे तो दैट इज द पोजीशन ऑफ ओपन बैक लूज बैक, क्लोज बैक पोजीशन इज द रोटेटिंग। और सम फॉर सम मेथोथेरेपिस्ट आल्सो वी यूज द टर्म सैक्रम इज रोटेटेड, सैक्रम इज काउंटर म्यूटेटेड, सम ऑफ द पर्संस आर यूज दैट, दिस इज द एंटीरियर प्रॉपर sacral joint dysfunction, this is the right on right forward distortion, this is the left on right forward distortion, तो ये पूरा एक अलग से region है, वो मैं अलग से कभी lecture करवा दूंगा आप लोगों को, लेकिन फिलहाल सिर्फ mobilization के हवाले से guide करता हूँ। Expiration inspiration के साथ sacrum की movement की साथ करवाना, तो मैं inspire करवाऊँ और साथ में देखो कि inspire are related with the counter rotation, expiration करवाऊँ तो rotation के साथ ही combination आपने देख लें, फिर आप भी उसके according ask the question, जब पेशेंट को कहीं इंस्पायर करें तो आप काउंटर रोटेशन करवाएं, असिस्ट करें, जब आप कहीं एक्सपायर करना तो रोटेशन करवाएं, ये आपने चेक कर लेते हैं कि एक्सपायरेशन के साथ रोटेशन आ रही है या इंस्पायरेशन के साथ आ रही है, ताकि ये आपको आइडिया रहे, ऐसा ना हो कि मैं बोलते हूँ कह दूँ उसके साथ और आप उसी को कर लें, इसको आपने जाकर फॉरन देखना है कि रोटेशन इंस्पायरेशन के साथ असिस्टेंस असिस्ट कर रही है या काउंटर रोटेशन के साथ। अब इसकी आपको ग्लाइडिंग बता दूँ, बेटा फ्लेक्स किया, my hand placement on the anterior spinalic spine, another hand placement on the eccentric process in rotation, ab main ye movement kar raha hu to basically ho kya raha hai, main pelvic ko ilium ko move kar sacrum ko move nahi kar raha, ye region mein kar raha hu to ilium ko kar raha hu, jab main ilium ko back side pe jaunga to sacrum kidhar move kar raha hoga rotation mein, and agar main kya hoga agar main isi position mein karna chahiye pattern to hum ye gliding usko perform karte hain, फिर उसमें आप कर सकते हैं कोई पेनफुल तो नहीं है पेशेंट को पेन तो नहीं हो रही की सिचुएशन है, तो सैक्रम की मूवमेंट करने के लिए आपके पास एक और वे आउट क्या आ सकता है, प्रोन में चलेगा, जब मैं एरियम को इस रोटेशन में मूवमेंट कर रहा हूँ तो बेसिकली आपको पता है कि जो ऐसे ही करता है एरियम के साथ बनता है, तो एंटीरियर ये जा रही हूँ तो रोटेशन में जा रहा होगा सैक्रम, और जब मैं इस पोजिशन में कर रहा हूँ तो रोटेशन रिलेटिव मूवमेंट आ रही होगी ना, मैं एल्बो में फोर आर्म को मूव करूँ इस तरफ या फीमर को मूव कर दूं नीक के हवाले से तो उसके हवाले से रिलेटिवली मूव होता है, सेकंड में अगर हमें करना है फ्लैट देनी है तो मैं इस पोजीशन में दे सकता हूं रोटेशन, रोटेशन में करता प्रेशर से पुशअप दर्द जी दर्द बढ़ रही इसका मतलब है इसको रिलीज देने का प्रोजेक्ट आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, यू हैव टू डिसाइड अगर उसको कंफर्ट जोन एपेक्स का प्रेशर देनी है तो कंट्रोल रोटेशन में रहेगा, इसका मतलब है सैक्रम रोटेटिंग, अगर सैक्रम बेस पे प्रेशर देंगे उसको कंफर्ट जोन में आ रहा है क्लैरिटी के साथ आ रहा है तो कंट्रोल रोटेटिंग है, और कंफर्ट जोन में देखो और उसमें आपकी मूवमेंट आपको बेहतर मिलता है, तो आप इस पोजीशन में उनको ग्लाइड दे सकते हैं। अदर वे ये भी है कि जैसे हम करवाते हैं इस पोजीशन में रखूँ हैंड प्लेसमेंट रखूँ एंटीरियर स्पिनल एक्सपैंड का फोर्थ पोजिशन पर ना हो, यहाँ से रखने के बाद उसको एकदम मूव करूँ ये मैं मूवमेंट करूँ उसको उस पोजिशन में भी आपको पेशेंट आता है तो आपको आइडिया दे देता है। अब ये एस एच जॉइंट, लेकिन एस एच जॉइंट को एक ही सेक्वेंस के साथ हम करना चाहते हैं रूल आउट, तो मैं दो टेस्ट आपको बताता हूँ, अगर पहले हो चुके हैं तो मुझे बता दें सिटिंग पोजीशन में हमने कुछ करवाया वैसा ही था नहीं, सिटिंग पोजीशन में मैं सिर्फ ये करता हूँ ये आर्मलेस चेयर है, आस्क द पेशेंट अबाउट द थाइस और जो कि हैंड प्लेसमेंट और उसको मूव करें ग्राउंड में, मैं पोस्टीरियर स्पिनल स्पाइन सबको पता है बैक साइड पी एस आई एस जहाँ पर होता है वहाँ पर मिलता है क्या मिलता है डिप्रेशन, मैंने प्लेस कर दिया पी एस आई एस के लेवल पे,
जब मैं उसको आज तक कह रहा हूँ मैं डाउनवर्ड जाए बैठा हूँ और मेरी हैंड पे बैक साइड पे, जो इनिशियल मूवमेंट पहले करेगा, जो रिक्रूट पहले करेगा, दैट साइड इज द इवॉल्व साइड, इज इट क्लियर? तो मैं कह दूंगा राइट साइड का सैक्रोइलिक जॉइंट डिसफंक्शन है। अब आप कहते हैं सर ये जो सेक्टर के साथ क्या करेंगे, आज तक पेशेंट इन स्टैंडिंग एंड देन आज ये सही इस पे रखूंगा, जो पहले में आप इसको करने की कोशिश करें क्या डायरेक्शन, तो इस सोल्यूशन करो, ब्रिजिंग करवाओ, ब्रिज करवाओ, रिलैक्स करो, फिर दोबारा चेक करो, तो आप फॉल्स डिस्क्रिपेंसीज को इजीली देख सकते हैं कि दोनों मैनुअल सेम है, वरना क्या होता है शॉर्टिंग के साथ आ जाता है फॉल्स केवे टाइप कॉमन है, जब इग्नो सॉस टाइट होंगे तो क्या होगा शॉर्टिंग है, जब ये क्या कहते हैं इंडिरेक्ट लिंक हो जाएगा तो इसका भी लेंथिंग भी आ जाएगी, सो कार्ड रिलेटिवली मूवमेंट, उसके अकॉर्डिंग आप मसल्स को असेस करोगे, उनको रिलीज करोगे, करने के बाद आपके पेशेंट आएगा वो बिल्कुल होगा कि आपने बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज और आपको एक और चीज बताऊँ, अगर मैं अज्यूम करूँ मेरी राइट साइड की शॉर्टिंग है, मैं स्टेप लेंथ कैसी लूंगा, शॉर्ट स्टेप, ये बड़ा बड़ा कॉमन एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको बता दूं राइट साइड शॉर्ट शॉर्टिंग के साथ है, मेरा इस तरफ का स्टेप शॉर्ट होगा लार्ज होगा, लॉन्गर होगा स्मॉलर होगा, ये लेंथ लेंथ बड़ी है, शॉर्ट कैसे करूंगा तो लिफ्टिंग करूंगा, इसको कवर करने के लिए क्या करूंगा लार्ज करूंगा, जिस तरफ की लेग लेंथ ज्यादा होती है वो स्मॉल करेंगे, तो ये लेंथ स्मॉल, तो मैं नेक्स्ट स्टेप लेना चाहूंगा तो मैं स्मॉल पे लूंगा, इतना नहीं लूंगा, तो जिस तरफ की शॉर्टिंग है उस तरफ का स्टेप लेंथ क्या होगा बड़ा होगा, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दोस पेशेंट, इसको पॉज है टू लेग डिस्टेंस ये फ्रैक्चर के साथ आया या मसल इस तरह टाइट हो चुका जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, मैं पैटर्न परफॉर्म करता हूँ और मुझे बता दीजिए मैं गेट कौन सी कर रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं इंटेंशन ये कह सकते हैं कि मैं उधर शिफ्ट अपना स्कैन शिफ्ट ज्यादा कर ही नहीं रहा, दूसरी तरफ शिफ्ट ज्यादा कर एनदर एनदर मैं गेट नई पोजिशन में हूँ ये चल रहा हूँ, दिस इज एनदर गेट इब्राहिम को आती थी ना तो कुछ सच्ची मैं आपको करता हूँ वो होता है इतना हद तक टाइट होती है और ये सीपी चार्ट सुन रहे टेंडम और भी है तो हम असेस भी कर रहे हैं बस बच्चे चलने का दाद ही आता है लड़की के चलने का भी डिफरेंट आता है गेट के हैंड टू नी गेट आपको ऑलरेडी बता दी मैंने ठीक है ब्लूटिस टैक्सी में वी गेट बता चुका हूँ कि ये नॉर्मल पैटर्न है होना अब वो क्या करता है वो पहले लॉट रोटेट करता है और कवर कर रहा था कि हील पे एक्सटेंशन नहीं होने इसको कवर करने के लिए लंबर पे लॉट हो सकता है।